हेलो दोस्तों, मेरा नाम तो हिदुर रहमान है और मैं हूँ टीम नेक्स्ट बिग ब्रांड से, और स्वागत है आप सभी लोगों का एनबीबी न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट हैट जूनियर के बारे में। मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने व्हाइट हैट जूनियर का एड टीवी या फिर सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर वो लोग ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चे को 6 साल की उम्र से कोडिंग सिखा सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जो है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको फटकार लगाई है और यहाँ पे उनके 5 एड्स को टेक डाउन करने का आदेश दे दिया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे कहना है कि भाई जो भी ये एड्स वो लोग रन कर रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग कोड को वायलेट करता है, मिसलीडिंग है। तो क्या है पूरी कहानी, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बायजू ओन्ड एडिटेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर को एक बड़ा झटका देते हुए एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने उनको, उनके जो कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको टेक डाउन करने को यहाँ पे बोल दिया है। बोला गया है कि भाई जो उनके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो जो दावे करते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, और जो भी उन्होंने दावे किए एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो कहीं पे भी साबित नहीं हुआ है या फिर उनका कोई ऐसा सच प्रमाण नहीं है। वहीं पे ASCI के सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर ने यहाँ पे ये बताया है कि जो व्हाइट हैट जूनियर के 7 एडवर्टीजमेंट्स थे उनके खिलाफ 15 कंप्लेंट्स को जो है यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस कर लिया है, जिनमें से 5 ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पाए गए हैं व्हाइट हैट जूनियर के जो कि ASCI के जो कोड है उसको वायलेट करते हैं, पोटेंशियली वायलेट करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। जिसके वजह से उन्होंने जो व्हाइट हैट जूनियर के एडवर्टाइज़र है उनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया गया है, और व्हाइट हैट जूनियर के एडवर्टाइज़र ने यहाँ पे उन 5 एडवर्टीजमेंट्स को टेक डाउन करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। मनीषा कपूर का यहाँ पे ये भी कहना है कि भाई एक जो एडवर्टीजमेंट था उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पे 2 एडवर्टीजमेंट्स ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे उनको लगा कि भाई ये जो है किसी कोड को यहाँ पे वायलेट नहीं करता है, तो इस वजह से जो कंप्लेंट है उसको जो है यहाँ पे खारिज कर दी गई है। वहीं पे उनका ये भी मानना है कि शायद ये वाले जो एडवर्टीजमेंट है उन दोनों में से एक एडवर्टीजमेंट ऐसा हो सकता है जो इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट जो है उसको पोटेंशियली वायलेट कर सकता है, जिसके वजह से जो कंप्लेनेंट है उसको ये बताया गया है कि आप जो है इस मैटर को सरकार के पास लेके जाए और सरकार को जो है इसके बारे में बताए और वहाँ पे जाके कंप्लेंट को दर्ज करें। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ जो है हुआ कैसे। तो रिसेंटली जो है आप जानते ही होंगे, आपने टीवी में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं देखा होगा कि व्हाइट हैट जूनियर जो है बड़े ही अग्रेसिव तरीके से जो उनके कोडिंग क्लास है उनको यहाँ पे मार्केट कर रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहा है, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने छोटे बच्चों को जो है कोडिंग क्लासेस में एनरोल करवाइए ताकि वो जो है 6 साल की उम्र से ही कोडिंग सीख सके और एक मतलब अर्ली कोडर बन जाए और नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया जो है वो यहाँ पे बना दे। लेकिन ये जो कुछ सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं वो रिसेंटली लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है काफ़ी, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ कि इस महीने के कुछ दिन पहले तक जो है एक उनके वेबसाइट पे वीडियो था जहाँ पे एक बच्चे का उनको तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये रखा हुआ था कि उनका जो एक बच्चा है उसने व्हाइट हैट जूनियर से कोडिंग क्लासेस ली है और दुनिया का पहला जो है आई टेस्टिंग ऐप उसने जो है बना दिया है, जिसके वजह से अब वो जो है वो सिलिकॉन वैली जा रहा है, वहाँ पे जाके जो भी वहाँ के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके वजह से वो वहाँ पे उनको मिल पाएगा। इसके अलावा दूसरा और एक मैसेज या एडवर्टीजमेंट में उनका ये कहना है कि भाई जो कि पेरेंट्स के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, उनका यहाँ पे ये कहना है कि आपका बच्चा जो है यहाँ पे नेक्स्ट फ्लाइट में USA जा सकता है। कैसे? तो भाई आप जो है एनरोल करवाइए और व्हाइट हैट जूनियर जो है जो अर्ली कोडर्स हैं जो कि शुरुआती में ज्वाइन करेगा उनको हैंड पिक करके कुछ बच्चों को वो US के सिलिकॉन वैली में भेजेगा, और वहाँ के गूगल और रेमो जैसे बड़ी कंपनी के जो साइंटिस्ट्स हैं और यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनसे मिलवाएगा, और क्या पता आपके बच्चे का जो है करियर यहाँ से शुरू हो सके और आपका बच्चा जो है नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया या फिर जो ऐप है वो यहाँ पे बना दे। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि जो भी व्हाइट हैट जूनियर ने क्लेम किया है कि उनके जो बच्चों ने जो ऐप बनाया है वो आपके प्ले स्टोर पर ज़रूर अवेलेबल है, जिनके कुछ ही डाउनलोड्स हैं, कुछ थाउजेंड्स में हैं डाउनलोड्स, और जो रिव्यूज़ हैं वो भी मतलब ठीक ठाक रिव्यूज़ है, कोई ऐसा बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो ऐप्स वो जो है वो व्हाइट हैट जूनियर के नाम पर रजिस्टर्ड है, ना कि जिन बच्चों ने बनाया उनके नाम पर। इसके अलावा व्हाइट हैट जूनियर के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं और लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है व्हाइट हैट जूनियर को या उनके बारे में थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे रेडिट पे हो, कोरा पे हो, या फिर किसी भी, चाहे ट्विटर पे हो, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उन्होंने अगर कोई रिव्यू छोड़ा है, कोई वीडियो बनाई है,
तो वहां से जो है बड़ी चालाकी से व्हाइटहैट जूनियर ने या तो उसको ब्लॉक करवा दिया है या फिर डिलीट करवा दिया, मतलब एक तरह से साफ करवा दिया है कि भाई वो जो नेगेटिव रिव्यू है वो लोगों को दिखे ही ना, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा संदिग्ध की नज़र से देखा जा सकता है। अगर आपका प्लेटफॉर्म इतना ही अच्छा है तो लोग अगर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप उन रिव्यूज़ को जो है वो क्यों यहाँ से डिलीट करवा रहे हैं, ये लोगों का यहाँ पे कहना है। वहीं पे ASCI ने जो है एक हफ्ते पहले एक रेगुलेटरी यहाँ पे जारी की है जहाँ पे ये बोला है कि पोस्ट पैंडेमिक जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो जिसमें जो भी दावे किए जा रहे हैं उस पर जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है, और जो भी ऐसे कोई एडवर्टाइज़र जो फॉल्स क्लेम करता है उस पर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो है यहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत कुछ बीती है, तो ये कोई ज़रिया जो नहीं है जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकें या उनको यहाँ पे मिसलीड कर। बाकी नेक्स्ट बिग ब्रांड का यहाँ पे यही कहना है कि अगर आप एक पेरेंट हैं छोटे बच्चे को और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पेरेंट होने के नाते आप कोई भी डिसीजन लीजिए, आप उसके लिए फ्री हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे अपने बच्चे के लिए, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी के चक्कर में अपने बच्चे को जल्दी कोडिंग सिखाने के चक्कर में या कुछ भी चक्कर में उनसे उनका बचपन जो है मत छीन लीजिएगा, क्योंकि बचपन अगर एक बार छीन गया तो वापस वो लौटा नहीं पाएंगे आप। इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपने नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक यू।